सोती पता नहीं ऐसा भगवान क्यों दिए हैं मेरे को बच्चा ऐसा। और मेरे रिलेटिव में से बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, इससे बड़े भी हैं, इसके इसके हैं, इससे छोटे भी हैं। अभी रात के बज गए हैं 10 और खाना पीना हो चुका है हम लोग का। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है सच में, मतलब जो दोपहर से बारिश स्टार्ट हुई थी कि अभी तक हो रही है बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि बारिश का टूटना वो टूटा नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। पहले इतने टाइम था परेशान थे, इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ रही है कि बारिश ही नहीं हो रही है, कब बारिश होगी कब बारिश होगी। और आज तो रिकॉर्ड तोड़ो यार, आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, मतलब तेज़ धीमा ऐसे हो रहा है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही ले रही है, लगातार बारिश हो रही है। जबकि मैंने मम्मी से बात किया था, अपनी माँ से जब मैंने फ़ोन से बात किया था, वहाँ पर बारिश हो रही नहीं हो रही है, बोली बहुत हल्का फुल्का हुआ है, बस हो गया, उसके बस बंद हो गया है। बट यहाँ पे तो बाप रे कंटिन्यूसली बारिश हो जा रही है। मौसम तो ठंडा हो गया है कि ए सी चलाने की ज़रूरत नहीं है रूम में, बस फैन से ही काम चल जा रहा है। मतलब रूम पूरा ठंडा हो गया है इस हिसाब से कि अब ए सी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अभी से ही स्टार्ट हो गया। अगर ऐसी बारिश होती रहेगी तो फिर ए सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़ैन ही काफ़ी है, ठंडा हो जाता है, पूरा रूम ठंड हो गया है। खाना पीना हो चुका है और पति तो देख रहे हैं क्रिकेट, क्योंकि आज फाइनल है, मतलब फाइनल फिनाले है, मतलब आज वर्ल्ड कप 2020 का वर्ल्ड कप का फिनाले है, तो देख रहे हैं पति देव। और प्रिंसेस तो कार्टून में लगी हुई हैं, खाना पीना सभी का हो चुका है, बस अब सिर्फ मेरा ही काम रह गया है, मेरा डिपार्टमेंट रह गया है पूरा चीज़ करने का, क्योंकि कल मुझे जाना है अपने मायके, तो आज सब कुछ अपना पूरा व्यवस्थित तो सब करना है पूरा हर एक चीज़, ताकि फिर कोई दिक्कत ना हो। जैसे मुझे भी पूरा बर्तन धोना है, पूरा किचन क्लीन करना है, और प्लस पति देव के कपड़े प्रेस करने हैं ऑफिस के, क्योंकि फिर पूरे हफ्ते उनको चलाने होते हैं, उनको प्रेस करने नहीं आता, तो जैसे आए थे ऑफिस से ना वैसे मैंने भिगो के रख दिए थे, तो वो जाके जब गए थे नहाने तभी धो लिए थे सारे कपड़े, मतलब सूख भी कुछ कपड़े थे वो, और उनके ऑफिस के थे वो, तो सब कुछ धो के सूख डाल दिए हैं सूखने के लिए, तब तो जहाँ तक ये सूख गया होगा तो उनके शर्ट मैं प्रेस कर दूँगी, तो मुझे प्रेस करने हैं वो उनके ऑफिस के कपड़े, प्लस मुझे अपना पैकिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं, फटाफट से करते हैं, टाइम हो गए हैं 10 बज गए हैं, तो फटाफट से अपना सारा काम निपटाते हैं। उसके बाद मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना है, तो वो भी काम है, और प्लस जल्दी सोना भी है ताकि जल्दी सुबह उठ सके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए फटाफट से अपने काम में लगते हैं। हे एवरीवन, सो फाइनली मेरी पैकिंग हो गई है कंप्लीट, मेरा सारा काम भी हो गया, टाइम हो गया ठीक 12 बज गए हैं,
और प्रिंसेस अभी भी जग ही रही हैं, उसका कोई नहीं पता नहीं। ये अजूबा बच्चा मेरे को सच में मिला है, भगवान दिए हैं। और बच्चे हैं जो कि सो जाते, कितना भी थके हारे रहे, कुछ भी करते रहे, कितना भी खेले कूदे, जो भी करे दिन भर, लेकिन कितना भी तो 11 बजे तक 10-11 बजे तक सो जाते हैं। इनफैक्ट मेरी बिल्डिंग में भी बच्चे हैं, मतलब फैमिली है जिनके बच्चे हैं, वो भी सो जाते हैं, उनके बच्चे बताते हैं। बट एक सूबी ऐसी है जो कि नहीं सोती, पता नहीं ऐसा भगवान क्यों दिए हैं मेरे को बच्चा ऐसा। और मेरे रिलेटिव में वैसे बहुत मतलब ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ऐसे बड़े भी हैं, इसके ऐसे छोटे भी हैं, सब सो जाते हैं, सब के सब। यहाँ तक कि जो मैं घर गई थी अभी अपने मायके, जब वहाँ गाँव गई थी, वहाँ भी जो भाभी भैया जो रहते, जो घर देखते पुराना वाला हम लोग का, वहाँ पर उनके भी 4-4 बच्चे हैं, वो भी 7-8 बजे तक में सब के सब सो जाएंगे। एक मेरी बेटी है, पता नहीं इसको क्यों नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ इसमें। शुरू से जब से हुई है तब से ही इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको नींद से, इसकी क्या दुश्मनी है कि इसको नींद नहीं लगती, और इसके चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं होती। सो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, अब जा रहे हैं दूध पीने और उसके बाद सोने। और थोड़ा सा प्लान में चेंजेस है, पहले था कि मैं निकलने वाली थी अपने मायके, जहाँ मेरा क्वार्टर, मतलब मायके का जो मेरा क्वार्टर है वहाँ पे मैं जाने वाली थी। बट अभी मम्मी से बात हुआ, मम्मी फ़ोन की थी 11 बजे के आसपास, तो फिर वो बोले कि सब कोई कल पूरी फैमिली पापा चले जाएंगे ऑफिस के लिए, बाकी मेरे दोनों भाई और मम्मी इन लोग जा रहे हैं गाँव, जो घर बना है वहाँ पर जा रहे हैं। तो मम्मी बोली है हो सके तो वहीं पर आ जाना तो ठीक रहेगा, डायरेक्ट उसी वहाँ आ जाओगे तो फिर वहीं से दिन में देखेंगे क्या क्या कैसे काम हो रहा है, उसके बाद शाम को फिर वहाँ से सबके रिटर्न आ जाएंगे क्वार्टर ऐसा। तो अभी मैंने बोला है कि मैं बात करूँगी इनसे, इनका क्या कहना है, इनका मन होगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर मतलब मन होगा तो फिर इसे पूछेंगे कि इनका क्या कहते हैं। इनका मन होगा जाने के लिए घर वहाँ गाँव वाला तो देखने के लिए, तो वहीं निकल जाएंगे। क्योंकि मम्मी ये भी बोली थी कि अभी देखे नहीं है दामादा, वो तो भी सब देख लेते, थोड़ा आइडिया बताते क्या कैसे सही बनना नहीं बनना, कैसे क्या कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो कैसे क्या चेंजेस होना चाहिए, तो वो भी थोड़ा देख लेते। तो इस मम्मी मतलब काफ़ी इच्छा है क्या कि वो देख ले एक बार, तो इसलिए मैं इनसे बात करती हूँ। इनसे बात किया नहीं है, काम नहीं लगी थी, इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ क्या कहते हैं। अगर तैयार होंगे तो फिर निकल जाएंगे हम लोग भी सीधे गाँव के लिए ही, उस रोड वो लड़ पकड़ लेंगे। और नहीं मन हो जाने का, नहीं देखना होगा, तो फिर हम लोग निकल जाएंगे क्वार्टर, अपने मायके का जो क्वार्टर है वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर बनने के अपने ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग का सपोर्ट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल सपोर्ट करिएगा चंदा प्रिंस ऑफिशियल, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, और बस प्यार देते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा, सेफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। गुड नाइट। क्या हो गया आपको पापा? क्या पापा, कहाँ है पापा? मैं